नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो एक सीरीज का पार्ट है जिसमें हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने सीआरआर और एसएलआर को समझा था कि कैश रिजर्व रेशो और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो से आरबीआई किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, और दूसरे वीडियो में हमने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट समझा था कि रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट से किस तरीके से आरबीआई इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में बैलेंस बनाता है। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की तरह ही दो रेट्स और होते हैं, एक होता है आपका बैंक रेट, दूसरा होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। इस वीडियो के अंदर हम बैंक रेट के ऊपर फोकस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली एमएसएफ रेट को भी कवर करूंगा। अब बैंक रेट एग्जैक्टली क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है, हम यही इस वीडियो के अंदर समझेंगे। देखिए, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या बैंक रेट या एमएसएफ रेट का आज की डेट में क्या करंट रेट चल रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका कंसेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो रेट्स हैं ये तो ऊपर नीचे जा सकते हैं, तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक रेट जो इनिशियली की पॉलिसी रेट था उसकी जगह हमें रेपो रेट लाने की क्या जरूरत पड़ी थी, और बैंक रेट की आज की डेट में सिग्निफिकेंस कम क्यों हो गई है। एग्जैक्टली अगर सिग्निफिकेंस कम हो गई है तो उसका पर्पज क्या रह गया है, यही हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। चलिए, बैंक रेट की हम अगर बात करें तो अगर हम इसके पास्ट की बात करें, हिस्टोरिकली जो इंडिया में बैंक रेट था वो की पॉलिसी रेट होता था। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी सीधा बैंक रेट से डिसाइड करता था। तो आज की डेट में जो हम रेपो रेट की बात करते हैं तो जो रेपो रेट था वो पहले बैंक रेट ही था। तो रेपो रेट आज की डेट में की पॉलिसी रेट है, मतलब कि अगर रेपो रेट बढ़ता है तो दैट मीन्स कि आरबीआई इन्फ्लेशन को कम करना चाहता है। मतलब सारे के सारे जो बैंकों के इंटरेस्ट रेट हैं वो रेपो रेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। बैंकों को एक इंडिकेशन मिल जाता है कि आरबीआई ने अगर रेपो रेट बढ़ाया है तो हमें भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे मार्केट में, अगर हमारे और आपके जैसे कंज्यूमर्स के लिए लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है कि हम लोन कम लेंगे। लोन अगर हम कम लेंगे तो चीज़ों की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस डेफिनेटली कम होगा, तो ऐसे हमारी महंगाई कम हो जाती है। तो इस तरीके से आरबीआई रेपो रेट से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है, और अगर मान लीजिए ग्रोथ को बढ़ावा देना चाहता है तो रेपो रेट कम कर देता है वो। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के ऊपर मैं एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। हम वापस बैंक रेट के ऊपर आ जाते हैं। अब देखिए, जब हम बैंक रेट की अगर आप विकिपीडिया पे या किसी इन्वेस्टोपीडिया पे कहीं पे आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये जो बैंक रेट है इंटरनेशनली, ये आज भी ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर की पॉलिसी रेट होता है। तो बैंक रेट जो इंटरनेशनल यूज़ हो रहा है काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर, इंडिया के अंदर वो सेम चीज़ नहीं है। बैंक रेट का सिग्निफिकेंस बहुत ही कम हो चुका है आज की डेट में। पहले ये की पॉलिसी रेट था, आज की डेट में बैंक रेट को कम्प्लीटली डीलिंक कर दिया है। बाकी के कोई भी इंटरेस्ट रेट बैंक रेट पर डिपेंड नहीं करते हैं, सारे इंटरेस्ट रेट्स रेपो रेट पे डिपेंड करते हैं। इवन बैंक रेट भी जो है रेपो रेट से लिंक्ड है, मैं आपको भी दिखाऊंगा कि वो कैसे लिंक्ड है। चलिए, हमें इतना तो समझ में आ गया कि बैंक रेट और रेपो रेट में फर्क क्या है। अब हम बात करते हैं कि बैंक रेट का फिर पर्पज क्या है। तो देखिए, दो ही मेन पर्पज हैं आज की डेट में बैंक रेट के। पहला तो इसे एज अ डिस्काउंट रेट यूज किया जाता है। जैसे बैंक्स के पास जो उनके बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं या उनके पास कुछ कमर्शियल पेपर्स आते हैं तो उनको आरबीआई के पास जाके डिस्काउंट करवा सकता है बैंक। अब ये डिस्काउंटिंग कैसे होती है इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। अभी हम ये समझ लेते हैं कि एज अ डिस्काउंट रेट यूज होता है बैंक रेट, और इनफैक्ट बैंक रेट का दूसरा नाम डिस्काउंट रेट भी है। दूसरा क्या है इसका पर्पस, कि ये पेनल्टी रेट की तरह भी यूज होता है। मैंने आपसे SLR और CRR रिक्वायरमेंट्स की बात करी थी अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने SLR और CRR वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वाला वीडियो भी ज़रूर देख लीजिए, आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में ओवरऑल आइडिया लग जाएगा। अब अगर बैंक अपनी SLR और CRR रिक्वायरमेंट्स नहीं मेंटेन करते हैं तो RBI उनके ऊपर पेनल्टी लगाता है, और वो पेनल्टी का रेट बैंक रेट से डिसाइड होता है। तो अगर एक दिन का डिफॉल्ट होता है बैंक का तो पेनल्टी लगती है बैंक रेट प्लस 3% की, और सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट जो होते हैं तब बैंक रेट प्लस 5% की पेनल्टी लग जाती है। तो यहां पे भी बैंक रेट का काम आता है। अब बैंक रेट होना कितना चाहिए, तो देखिए पहले बैंक रेट आज की डेट में रेपो रेट से ही लिंक्ड है, तो ये बैंक रेट प्लस X% हो सकता है। ये X% कितना भी हो सकता है, आज की डेट में मैं आपसे बात करूं तो रेपो रेट हमारा चल रहा है 6.5%, और ये जो एक्स है ये 0.25% है। दैट मीन्स ये जो बैंक रेट हमारा है आज की डेट में वो 6.75% है,
लेकिन इनिशियली बैंक रेट को पेग किया था रेपो रेट से और कहा गया था कि बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से 1% ज्यादा होगा। ये जो एक्स परसेंटेज है ये भी चेंज करता रहता है आरबीआई, तो मैं आपको कहूंगा कि बस आप इतना ध्यान रखिए कि रेपो रेट से थोड़ा बहुत बैंक रेट ज्यादा होता है, बट हाँ बैंक रेट आज की रेट में एमएसएफ रेट के बराबर है, तो मैं ये यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख देता हूँ। तो हमारा एमएसएफ रेट जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट वो भी हमारा 6.75% ही है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि एमएसएफ रेट एग्जैक्टली क्या है। तो ये दो चीजें हमारे को यहाँ पे क्लियर हो गई कि बैंक रेट का आज की रेट में सिर्फ ये दो पर्पज हैं, इनके अलावा कोई पर्पज नहीं है। पहले बैंक रेट बहुत इंपॉर्टेंट था, अब उसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट का आप वीडियो जरूर देखिएगा, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि रेपो रेट काम कैसे करता है। चलिए अब मैं आपको समझा देता हूं कि ये डिस्काउंट रेट की तरह कैसे काम करता है बैंक रेट। मान लीजिए एक कंपनी के पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेट से कोई एक्सपोर्टर है, वो जाता है अपने एक बैंक के पास या तो अपना बिल ऑफ एक्सचेंज लेके या प्रोमिसरी नोट लेके, और वो कहता है कि मेरे पास 1 करोड़ की इसकी वैल्यू है लेकिन इसकी जो पेमेंट डेट है वो 3 महीने बाद की है। तो अब इस कंपनी को ये 1 करोड़ का कैश है, वो चाहती है कि ये मेरे को आज ही मिल जाए, भले ही इस पे मेरे को थोड़ा सा कम पैसा मिल जाए लेकिन मुझे ये पैसे की रिक्वायरमेंट आज ही है। तो बैंक कहता है ठीक है हम आपको पैसा आज ही दे देंगे लेकिन हम आपको 1 करोड़ रुपए नहीं देंगे, हम इसके ऊपर एक डिस्काउंट लगाएंगे, हम आपको खाली 97 लाख देंगे। तो यहाँ पे 3 लाख का डिस्काउंट लग जाता है। इस डिस्काउंट को हम बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। इनफैक्ट मैंने आपको ये बताया भी था, आप मेरा बिल डिस्काउंटिंग वाला वीडियो देख सकते हैं, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के ऊपर भी वीडियोस बना रखे हैं, आप मेरे ये वाले वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आपको कंसेप्चुअली जानना है। तो अब ये जो 97 लाख दिया ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज को जो डिस्काउंट किया है वो बैंक अपने डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंट करता है। दैट मीन्स कि ये जो 3 लाख रुपए हैं ये 3 महीने का एक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बैंक, और ये कह रहा है बैंक कि हम आपको 97 लाख आज ही दे रहे हैं और बैंक 3 महीने बाद कलेक्ट कर लेगा इस अमाउंट को बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, जिस बंदे को भी पेमेंट करनी होगी ये बैंक उससे पेमेंट कलेक्ट कर लेगा। अब बैंक के पास ये 1 करोड़ का बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, अब बैंक कहता है कि हमें भी 3 महीने वेट करने की क्या जरूरत है, हमारे को भी जब आरबीआई ने एक फैसिलिटी दी है तो हम भी उसको यूज करते हैं। तो बैंक जाता है आरबीआई के पास, बैंक भी कहता है कि आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट हमसे ले लीजिए, इसकी वैल्यू 1 करोड़ है, आप 3 महीने बाद इसकी पेमेंट कलेक्ट कर लीजिएगा। तो आरबीआई कहता है ठीक है मैं लेकिन आपको 98 लाख ही दूंगा। बैंक कहता है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमने 97 लाख दिए, यहाँ हमको 98 लाख मिल रहे हैं, तो 1 लाख का तो हमारा बेनिफिट हो ही रहा है। तो बैंक ने जो भी रिस्क लिया उस रिस्क की पेमेंट उसको 1 लाख रुपये हो रही है। अब ये जो आरबीआई ने 98 लाख डिसाइड किया ये कैसे डिसाइड किया, तो बैंक आरबीआई ने इस वैल्यू को डिस्काउंट कर दिया। किस रेट पे, बैंक रेट पे आरबीआई डिस्काउंट करती है। तो यहाँ पे बैंक रेट का दूसरा यूज निकल के आ जाता है। तो एक हो गया हमारा डिस्काउंट रेट और दूसरा हो गया हमारा पीनल रेट, यही दो यूज हैं बैंक रेट के। तो आई थिंक आपको यहां पे बैंक रेट का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। मैं हर रोज इसी तरीके के फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स यहाँ पे इस चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। तो आपने इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।